चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे, बात जरा करेंगे जम्मू कश्मीर की। हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से जहां पर गुड गवर्नेंस की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से तीसरा एडिशन जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की जानिब से। और इस इंडेक्स में जम्मू जिला सरफहरिस्त है जहां पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर या मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो इस इंडेक्स से जो इस इंडेक्स में जारी किए गए थे, इस सिलसिले में जम्मू जिला सबसे उसने पहला पायदान हासिल किया है, सांबा और श्रीनगर दूसरे और तीसरे नंबर पर आया है। आपको बताते चले जो डीजीआई पैरामीटर्स हैं उस सिलसिले में जम्मू जिला सबसे फहरिस्त पहले नंबर पर आया है, उसकी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हैं उनमें 11 इंडिकेटर्स हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीगल एंड पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो जिले हैं जिनमें से जम्मू सबसे पहले नंबर पर आया है, जिनका स्कोर इस इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे 6.371 और उसके साथ साथ ही सांबा का दूसरे मकाम पर आता है जिसमें 6.1799 और उसके साथ साथ तीसरे पायदान पर तीसरे मकाम पर श्रीनगर का आता है जिसमें 6.0045 और उसके साथ साथ ही राजौरी, बांडीपुरा, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, डोडा, गांदरबल, बारामुल्ला और उसके साथ साथ शुपया, उधमपुर, कुपवाड़ा, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, रामबन, पूंछ, रियासी, सबसे आखिर पर रियासी जिला आता है। लेकिन सबसे पहले आता है इस फहरिस्त में जो इंडेक्स जारी कर दिया गया है उसमें जम्मू जिला सबसे पहले उसका नंबर आता है। और इसके इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या क्या हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामी की तरफ से, कल हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें श्रीनगर टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसमें कहा गया कि जो पसमानदा पंचायतें हैं वहां पर काम कितना बेहतर हुआ, गुड गवर्नेंस का या सेल्फ रूल का जो एक नारा दिया गया या जो एक कोशिश है उससे बेहतरी कितनी आई है। वो इंडेक्स तो सामने कल लाया गया था, श्रीनगर उसमें ऊपर था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये तीसरा एडिशन था, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इसे जारी कर दिया गया और इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं, 11 इंडिकेटर्स हैं, ज़राअत से मुतल्लिक जो कामकाज होते हैं उस पर नजर रखी जाती है, कॉमर्स और इंडस्ट्री पर बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सेक्टर में तिबी निज़ाम को बेहतर बनाने पर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूटिलिटीज इस पर फोकस होता है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस पर फोकस होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना पैसा सरकार ने दिया, खर्च कितना हुआ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, लीगल और पब्लिक सेफ्टी शहरी कितना खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं इस चीज़ पर भी डिस्कस होता है, माहौलियात पर बात होती है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो इस पर भी फोकस रहता है। तो जम्मू ज़िला स्कोर गौहर ने आपको बता दिया 6.3771 के साथ जम्मू ज़िले के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है, जम्मू सूबे के अंदर सांबा दो पर जबकि श्रीनगर तीसरे पर, लेकिन कश्मीर वैली की जब बात होती है तो श्रीनगर थोड़ा ही जम्मू से पीछे है और कश्मीर प्रोविंस में टॉप ऑफ द लिस्ट, राजौरी दो पर और फिर बांडीपुरा का नाम आता है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं पिछली रैंकिंग जो है उसमें डीजीजीआई का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स सेकेंड जो था, दूसरा एडिशन जो जारी हुआ था उसमें अनंतनाग जो कि उस वक्त जबरदस्त रैंकिंग के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट गया था 17 से 6 मकाम पर था, कुलगाम जो है 11 स्पॉट के चक्कर 17 इस साल चला गया है, शोपियां 8 स्पॉट मैनेज करके 12वें रैंक पर चला गया, इसी तरीके से ये चौथी बार ऐसा हुआ है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला, इसका रैंक 8वां था, राजौरी डिस्ट्रिक्ट और बांडीपुरा जो है उन्होंने पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस की है तमाम शोबों के अंदर, तो उन्होंने 10वें से 4 तक भी छलांग लगाने में कामयाबी हासिल की है और 13 से 5 नंबर पर बांडीपुरा भी आ गया है। डेटा इसी तरीके से ये भी बताता है कि अलग अलग अजला के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो काम हुआ है इसमें पुलवामा अच्छा रहा है एग्रीकल्चर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, श्रीनगर इंडस्ट्रीज और अलाइड सेक्टर्स में अच्छा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर सांबा अच्छा रहा है, सोशल वेलफेयर सेक्टर्स के अंदर
जो है सांबा चरा राजौरी जो पब्लिक हेल्थ और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सेक्टर के अंदर बेहतरी इस बार दिखा पाया है। जम्मू में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज बेहतर है। जुडिशरी पब्लिक सेफ्टी में इस बार अनंतनाग टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। बांडीपुरा जो है वो माहौलियात के लिए उसने बेहतर इकदाम किए हैं, इसलिए टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मौजूदगी में इस रैंकिंग को जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साथ थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो प्लानिंग के थे, फाइनेंस के थे, कंसर्न महकमों के थे, वो इसका हिस्सा बने। यहाँ पर ये याद दिलाना भी आपको जरूरी है कि सेल्फ गवर्नेंस का जो मॉडल है 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज के अंदर मुल्क भर के अंदर ये रैंकिंग जारी की जाती है और फिर साल के बाद हर डिस्ट्रिक्ट को पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब उनका होता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले 100 अजला को इनाम से भी नवाजा जाता है, जिसमें ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा भी इस सिलसिले में एक अवार्ड